ऐसे थोड़े थोड़े दूर पर करते जाएंगे। ज़्यादा ना इसमें डालें, जितना आपकी कढ़ाई में आ जाए उतना ही डालें। इसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट होती है खाने में और बिल्कुल कुरकुरी। नमस्कार, वैष्णवी इजी लाइफ में आप सबका स्वागत है। आज हम साबूदाना के नमकीन बनाएंगे व्रत स्पेशल। इसे आप व्रत में भी खा सकते हैं और वैसे भी खाने की इच्छा हो तो भी खा सकते हैं। इस तरह का साबूदाना है जिसकी खीर या खिचड़ी वगैरह बनाते हैं। हमने 1 कप साबूदाना ले लिया है, अच्छी तरह से इसे कपड़े में पोंछ लिए। तो हम एक मिक्सी के जार लेंगे, इसमें कुछ मसाले डाल दे रहे हैं। ये 1 टुकड़ा दालचीनी के डाल देंगे और ये 4-5 लौंग है इसे डाल देंगे और ये 10-12 काली मिर्ची है ये डाल देंगे अच्छा फ्लेवर के लिए। ये व्रत के लिए हम बना रहे हैं। अगर ये मसाले आपके व्रत में ना खाया जाता हो तो ना डालें। अब इसको पीस लेंगे, साबूदानों को हम पीस लिए, आप देख पा रहे होंगे। कुरकुरे नमकीन बनाने के लिए 4 आलू ले लिए हैं, इसे अच्छी तरह से धोकर उबाल लिए हैं। आलू को उबाल कर ठंडा कर लें। गरम गरम आलू ना यूज करें कुरकुरे बनाने के लिए, या नमकीन जो भी आप बोलें। इसका हम इस तरह से छिलका उतार ले रहे हैं। आलू को छील लिए हैं, इस तरह का ग्रेटर ले लें और आलू को ग्रेट कर लेंगे इस तरह से, आप देख पा रहे होंगे। इसी तरह से चारों आलू को हम ग्रेट कर लेंगे। आलू को हम ग्रेट कर लिए, ये साबूदाना अभी पीस के रखे थे ना, उसको हम डाल देंगे। ये सेना नमक है व्रत का, जो नमक व्रत में खाते हैं। नमक डाल देंगे, 1/2 छोटा चम्मच है, आप अपने टेस्ट अनुसार डाल सकते हैं। इसमें हम 2 चम्मच तेल डाल देंगे, 2 चम्मच हो गया। आप रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं कोई भी। इसे हम डोर की तरह तैयार कर लेंगे। यदि आप वैसे खाने के लिए बना रहे हैं, व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं, तो आप इसमें चाट मसाला या मैगी मसाला, लाल मिर्च पाउडर आप डाल सकते हैं। इसमें हम सिर्फ काली मिर्च, लौंग और दालचीनी का टुकड़ा डाले हैं। यदि आप व्रत में खाते हो तो डालें, नहीं तो काली मिर्च और सिर्फ व्रत का नमक डाल के आप बना सकते हैं। इसमें पानी नहीं डालेंगे। आलू में इतना नमी है कि साबूदाने का डो तैयार हो जाएगा। डो लगाकर हम तैयार कर लिए, आप देख रहे हैं एकदम बढ़िया डो बनाकर तैयार कर लिए हैं। इसे हम लगभग 15 से 20 मिनट के लिए रख दे रहे हैं ताकि साबूदाना अच्छी तरह से फूल जाए। इस डो को रखे में 15 से 20 मिनट हो चुका है, फूल के तैयार भी हो गया है। एक बार इसे अच्छी तरह से और मस लेंगे, लगभग 1-1.5 मिनट तक इसी तरह से इसे मसल के तैयार कर लिए। यदि आप डेली खाने के लिए बना रहे हैं तो इसमें आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं, 1/2 छोटा चम्मच कलर के लिए। अब इस तरह की मशीन लेंगे, इसमें हम अच्छी तरह से अंदर तेल लगा लेंगे ताकि डो चिपके ना। और हम ये जाली लेंगे, ये चकली वाली जाली है, इससे भी निकाल सकते हैं, और ये मोटी वाली जाली है, इससे भी निकाल सकते हैं अगर आसानी से निकल जाए तो। इससे मोटी जाली हमारे पास नहीं है, यदि आपके पास इससे मोटी जाली हो तो उससे भी आप निकाल सकते हैं। हम इसको तेल लगा ले रहे हैं जाली में भी, दोनों में। जाली को हम अंदर डाल दिए और इसमें से डो लेंगे। ये डो ले लिए, इस तरह से लंबा करके इसमें डाल देंगे, इसे दबा देंगे और फूल भर लेंगे। अच्छी तरह से दबा के भरें ताकि निकालते समय टूटे ना। और इसको हम इस तरह से बंद कर देंगे। गैस पे हम तेल चढ़ा दिए हैं और गर्म भी हो गया है। एक बार आपका तेल गर्म हो जाए तो गैस मीडियम कर लें, इसे मीडियम फ्लेम पर तलें। थोड़ा सा डो डाल के देखेंगे, तेल ठीक गर्म है, इससे कम ही गर्म रहेगा तब भी चलेगा। इसे निकाल ले रहे हैं, नमकीन निकाल ले रहे हैं हम। इसमें जिस जाली से चकली बनाते हैं वही लगाए हैं, मोटी वाली। ऐसे थोड़ी थोड़ी दूर पर करते जाएंगे,
ज़्यादा ना इसमें डालें, जितना आपकी कढ़ाई में आ जाए उतना ही डालें। इतना ही हम डाल रहे हैं कढ़ाई में अभी। इसको मीडियम फ्लेम पर पकने दें, और काफ़ी मोटा है ना ये, इसलिए पकने में टाइम लगेगा। इसको लाइट ब्राउन कलर आने तक दोनों तरफ से पलट के हम इसे तलेंगे। इसको पलट दे रहे हैं, इसको पकने में टाइम लगेगा, अभी कलर अच्छा नहीं आया। जब तक इसमें लाइट ब्राउन कलर ना आ जाए तब तक ना निकालें, नहीं तो ये कुरकुरा नहीं होगा। अब आप देख पा रहे होंगे इसमें गोल्डन कलर आ चुका है, और एकदम इसके आसपास के झाग भी बैठ गया है। यही पहचान है कि ये आपके कुरकुरे तैयार हो चुके हैं। इसे हम निकाल लेते हैं, कुछ सेकंड कढ़ाई में रोकें ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। टिश्यू पेपर पे निकाल ले रहे हैं। एक बार हम और निकाल के दिखा रहे हैं, इसी तरह से जितना हमारे कुरकुरे नमकीन हैं तैयार कर लेंगे। इतना ही डालेंगे जितना कढ़ाई में आ जाए। इसी तरह से पकाएंगे जैसे पहले पकाए। ये भी अच्छी तरह से पक चुका है, आप इतना ध्यान दें। अगर गैस के फ्लेम आप तेज करके तलेंगे तो अंदर कच्चा रह जाएगा और ऊपर से इस पर लाइट ब्राउन कलर आ जाएगा, इसलिए एकदम मीडियम फ्लेम करके तलें, बिल्कुल कुरकुरा होगा। बाकी के जितना कुरकुरा नमकीन बचा है इसी तरह से हम डीप फ्राई कर ले रहे हैं। निकाल लिए, साबूदाने के कुरकुरे नमकीन बना के तैयार कर लिए। इसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट होती है खाने में और बिल्कुल कुरकुरी। इस तरह से आप बनाएं, व्रत में खाएं। और जो मसाले हम इसमें डाले हैं, यदि वह मसाले आपको पसंद ना हो तो उसमें से मसाले कम कर सकते हैं, सिर्फ आप व्रत के नमक ही डाल सकते हैं। और व्रत में खाने के लिए बहुत अच्छा स्नैक है। ऐसे आप बनाएं साबूदाने के कुरकुरे नमकीन, और आपके कुरकुरे नमकीन कैसे बनी अपना अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मैं आप सबसे अपील कर रही हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपीज डालूँ आप सबके लिए, आप सबको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।